अरे समेत भैया, बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो गई। समेत भैया जल्दी आओ यहाँ पर। अबे सिंचन आ गया तू, भाभी कहाँ रह गई तेरी? अरे समेत भैया बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, भाभी की नहीं आ रही है। क्या बोल रहे, क्यों? अरे समेत भैया भाभी के पापा ने मना कर दिया है कि बोले कि शादी नहीं करने देंगे। क्या बात कर रहा है तू, बकवास कर रहा है? अरे समेत भैया मैं सही बोल रहा हूँ, भाभी के पापा बोल रहे वो तुमसे शादी नहीं करने देंगे उनकी बेटी की। अब ऐसा क्यों? समेत भैया बोल रहे कि तुमसे नहीं कराएंगे, वो अपनी बेटी के लिए ऐसा आदमी ढूंढेंगे जो हर चीज में मस्त हो। मस्त मतलब मैं मस्त नहीं हूँ क्या? अरे समेत भैया मतलब पता नहीं यार, उनसे पूछ लेना जाके क्या बोला है। बोले कि कोई चैलेंज करवाएंगे खतरनाक वाला, जो जीतेगा उससे अपनी वाइफ की शादी कराएंगे। वो बेटे मुहूर्त निकाल रहा है, टक्कर क्यों मार रहा है? अरे पंडित जी कब तक का है मुहूर्त? ओ बेटे मुहूर्त तो शाम 6 बजे तक का है। 6 बजे? ओके तो गाइस मेरे पास काफी टाइम है, पंडित जी बता रहे शाम 6 बजे तक का मुहूर्त है। पर बेटे 6 बजे के बाद नहीं होगी शादी। हाँ ठीक है 6 बजे के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो समित भैया फिर क्या प्लान है, कैसे लेके आओगे भाभी को? अबे मैं बात करूंगा जाके, और कैसे लेके आऊंगा, तू भी उल्टी बात कर रहा। अरे क्या हो गया समित यार, कैसे? तुम्हारी वाइफ कहाँ पर रह गई? अरे वाइफ बनी नहीं है, बनेगी। हाँ वही कहाँ रह गई वो? पता नहीं, उसके पापा ने बोला है कि मुझसे शादी नहीं कराएंगे। क्यों, ऐसा क्यों हो गया? पता नहीं यार, बोल रहे कोई चैलेंज रखेंगे, जो उसमें जीतेगा उससे शादी करवाएंगे अपनी बेटी की। क्या बात कर रहे हो, सच ही बोलो? हाँ सच बोल रहा हूँ मैं। अरे यार ये तो काफी गुड न्यूज है। कैसी गुड न्यूज? अरे मुझे को थोड़ा काम है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, चलो चलता हूँ। अबे गाइस यार ये टोनी स्टार्क को क्या लफड़ा था भाई, पता नहीं क्यों पूछने आया था मुझसे और चला भी गया यहाँ से। समित भैया चलो क्या फिर, चल जल्दी सी, और क्या। तो भाई काम करता हूँ मैं, जल्दी से मेरी होने वाली वाइफ के घर पर चलता हूँ और उससे पूछता हूँ आखिर ये क्या बकवास है यार। जिस दिन हमारी शादी होने वाली थी उस दिन उसके पापा ने मना कर दिया शादी करने से, ये थोड़ी होता है यार। अभी जाता हूँ जल्दी से, पूछता हूँ भाई ये तो कोई मजाक चल रहा है क्या भाई, मतलब इतना बड़ा मजाक मेरे साथ मेरी जिंदगी में। ओके तो गाइस यार मैं अभी आ चुका मेरे होने वाली वाइफ के घर पर, क्योंकि यार जो मेरी वाइफ है ना होने वाली, उसका घर बहुत ज्यादा बड़ा है। तो गाइस यार ये आप लोग जो घर देख रहे हो ये है मेरे होने वाली वाइफ का, है ना बहुत बड़ा घर। मेरी होने वाली वाइफ समी बहुत ज्यादा रिच है, वोरी। अरे सिंड्रेला। अरे समित तुम, अरे सिंड्रेला ये क्या है? अरे समित मैं कुछ भी नहीं कर सकती, देखो मैं तो तैयार भी हो गई थी। फिर तुम्हारे पापा ने ऐसा क्यों किया? पता नहीं समित, उन्होंने बोला कि तुम मेरे लिए अच्छे नहीं हो। क्यों, क्या कमी है मेरे अंदर? अरे वो मुझे नहीं पता, उन्होंने बोला है वो अपना दामाद खुद ढूंढेंगे अपनी बेटे के लिए। क्या बोल रही है तू? हाँ सच बोल रही हूँ मैं, अब मुझे नहीं पता, तुम्हें मेरे पापा से बात करनी पड़ेगी। अरे यार ये तो अलग ही बकवास हो गई। जाओ समित मेरे पापा से बात करो, ऐसा नहीं है कि वो तुम अपना दामाद नहीं बनाना चाहते, बस कुछ चीजें कराएंगे तुमसे, अगर तुम उन चीजों में सक्सेसफुली पास हो जाते हो तो फिर हम दोनों शादी कर सकते हैं, बस अपने आप को प्रूफ करो कि तुम मेरे लायक हो। ओ यार ये तो अलग ही बहाने हो गए यार। बहाने नहीं, मैं थोड़ी बना रही हूँ, मेरे पापा की शर्तें हैं। चल ठीक है यार, इसमें तेरी तो कोई गलती है नहीं। वही तो मैं बोल रही हूँ, पर अब क्या ही बताऊँ तुम्हें। अबे करना क्या है ये तो पता ही होगा तेरे को। मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है, आखिर मेरे पापा क्या करवाने वाले और कैसे मेरे लिए दूल्हा ढूंढेंगे। अबे यार तू टेंशन मत ले सिंड्रेला, तेरे पापा कुछ भी कराए और तेरा होने वाला पति सब कुछ करेगा, तू बस देखती जाइयो। अरे तुम्हें तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है खुद के ऊपर। हाँ है, क्योंकि मुझसे ज्यादा बेस्ट कोई नहीं है पूरे लॉस सैंटोस के अंदर। हाँ तो जाओ जल्दी से मेरे पापा से बात करो जाके। चलो गाइस यार चलते हम लोग इसके पापा से ही बात करते जाके। भाई साहब ये क्या मतलब हुआ यार, मतलब मेरे दिल के ऊपर पत्थर फोड़ दिया एक तरीके से। तो गाइस यार अभी हम लोग आ चुके हैं इसके पापा से बात करने के लिए। अबे एक सेकंड, अबे ये टोनी स्टार्क और ये लूसीफर यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे सर क्या हाल है आपके? ओए लूसीफर तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे मैं भी यहाँ पर शादी के लिए आया हूँ। क्या? और मैं भी यहाँ पर शादी के लिए आया हूँ, हम भी तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। हाँ तो मैं तुम तीनों में से किसी एक को मेरी बेटी का हाथ दूंगा, वो उसे दूंगा जो मेरे चैलेंजेस में जीतेगा। मैं तुम लोगों से 3 चैलेंजेस कराऊंगा, उन तीनों में जो जीतेगा वो ही मेरी बेटी से शादी करेगा। 1 चैलेंज जीतने पे 1 पॉइंट मिलेगा, जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे वो मेरी बेटी से शादी करेगा। अरे ऑफकोर्स मैं ही करूंगा तुम्हारी बेटी से शादी। अबे ओए कोई नहीं करेगा तुम्हारी बेटी से शादी, मैं ही करूंगा सिर्फ। अरे तुझे ऐसा क्यों लगता है लूसिफर, तू देखियो मैं ही करूंगा। हाँ तो चलो मेरे साथ। हाँ तो तुम लोगों का स्वागत है पहले चैलेंज के अंदर, इस चैलेंज का नाम है रिप्टो मरो। ये कैसा चैलेंज हो गया भाई? इस चैलेंज के अंदर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपली इस सरफेस के ऊपर से जाना है बिना एक भी बॉम्ब को टच करे। अगर तुम वहाँ उस साइड पहुँच गए तो तुम्हें 1 पॉइंट मिलेगा, अगर तुमने किसी भी बॉम्ब को टच किया तो तुम हार जाओगे। तुम लोगों को आई गया होगा समझ? ये तो बहुत ज्यादा आसान लग रहा है मुझे। मुझे भी बहुत ज्यादा आसान लग रहा है। वो तो टाइम बताएगा लूसीफर कि ये कितना आसान और कितना ज्यादा हार्ड है। जीतूंगा तो मैं ही, बस तुम देख लेना, वो टाइम बताएगा जैसे कि मैंने बोला। हाँ तो जाओ, तुम में सबसे पहले कौन जाएगा?
अरे मैं जाऊंगा सबसे पहले। हाँ तो टोनी स्टार्क तुम जाना चाहते हो तो तुम जाओ, पर बम को टच मत करना, बम को टच किया तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगी। तो गाइस यार आप लोग देख रहे हो टोनी और ये लूसिफर का बच्चा भाई मेरी शादी में आए थे, अब यहाँ पर मेरे होने वाली वाइफ के लिए लड़ाई कर रहे हैं यार, यहाँ पर मुझसे चैलेंज कर रहे हैं यार। अरे चलो अब मैं इजिली इसे कम्प्लीट करके मेरी वाइफ लेके आऊंगा। अब तेरे को ऐसा लगता है वो मुझसे प्यार करती है? अरे क्या बात हुई, जब उसके पापा जिसके हाथ में उसका हाथ देंगे वो उससे प्यार करेगी? अब ये तो गलत बात है यार। गाइस यार ये तो आगे बढ़ता जा रहा है और ये क्या, यहाँ पर ये तो डिस्क्वालीफाई हो गया। अरे यहाँ पर तो जो टोनी है वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है पहले राउंड में, अब बारी लूसिफर तुम्हारी है, देखते कि लूसिफर तुम यहाँ पर जीत पाते हो या नहीं जीत पाते हो। जाओ लूसिफर। अब क्यों क्यों लूसिफर को क्यों भेज रहे हो, उससे पहले मैं जाऊंगा ना। तो चलो गाइस यार लूसिफर से पहले तुम्हारा भाई जाएगा। ओए भाई ये तो सेमी हार्ड है, थोड़ा सा बच गया, अगर थोड़ा सा और रिपटता ना तो सीधा बम में जाके टकराता। आराम आराम से, अरे फिर रिपट गया यार, कितनी ज्यादा रिपटन है सेमी, असल में इसके ऊपर बहुत ज्यादा फिसलने वाली चीजें डाल रखी है इसलिए हम बहुत ज्यादा रिपट रहे हैं यार। रियल लाइफ में कितना ज्यादा मजा आएगा इस चीज के ऊपर खेलने में। और ये बस पहुंच गया और ये फाइनली हमने इसको कंप्लीट कर दिया, मतलब तुम्हारे भाई को मिलता है एक पॉइंट और मैं अब टोनी स्टार्क से एक पॉइंट आगे हूं। नाइस यार। अरे मेरी बारी भी है समित, तुम भूल गए हो शायद, मेरा नाम लूसिफर है और मैं हेल का राजा हूँ और तुम्हें पता मैं कितना खतरनाक हूँ। हाँ वो तो टाइम बताएगा। तो गाइस यार अब आ रहा है लूसिफर, अगर लूसिफर जीत गया तो भाई साहब ये भी मेरे पास आ जाएगा एक पॉइंट। ये नहीं जीतना चाहिए यार, बिल्कुल नहीं जीतना चाहिए। नरक के राजा तू नरक में क्यों नहीं रहता? अबे यार सुमित मेरे को भी तो जीतने का अधिकार है, मेरे को भी तो वाइफ चाहिए। अबे तो जाके कोई भूतनी से शादी करना, मेरी वाइफ के पीछे क्या पड़ा है तू? अबे तेरे को क्या लेना देना, अगर मैं जीता तो तेरी वाइफ मेरी हो जाएगी। अबे यार ये तो सही में जीतने वाला, देख रहे हो आगे बढ़ता ही जा रहा है यार, इस बम से बच गया तो आगे पहुंच जाएगा। और ये क्या भाई साहब यहाँ पर लूसिफर भी टच हो गया? अबे यार ये क्या यार, लास्ट में पहुंचते पहुंचते गलती से पैर फिसल गया और मैं यहाँ पर टकरा गया यार। अरे नहीं यार सुमित तुम उससे एक पॉइंट आगे चल रहा है। तो गाइस यार यहाँ पर लूसिफर से तो चला ही नहीं जा रहा, देख रहे हो बार बार गिरते ही जा रहा है। और यहाँ पर भाई फर्स्ट राउंड का विनर हूँ मैं, क्योंकि मेरा है एक पॉइंट, मैंने पूरा कंप्लीट किया है। कोई बात नहीं, अभी दो राउंड और बच रहे हैं, उनके अंदर मेरे को मिलेगा पॉइंट। हाँ वो तो टाइम बताएगा कौन जीतेगा। अरे शाबाश यहाँ पर सुमित तुम्हें मिलता है एक पॉइंट, लूसिफर तुम भी हार चुके हो, टोनी स्टार्क भी हार चुका है। तो यहाँ पर अब सेकंड राउंड की बारी आ चुकी है। सेकंड राउंड क्या होने वाला है बताओगे तो जरा? टाइम लगने पर सब पता लगेगा, तो चलो तुम मेरे साथ। ओके तो गाइस यार यहाँ पर पहला पॉइंट हमें मिला है और अब देखते हैं कि यार दूसरा कंपटीशन क्या होने वाला है। दूसरा कंपटीशन बहुत ज्यादा धमाकेदार होगा, चलो। हाँ तो तुम लोगों का दूसरा चैलेंज होगा यहाँ पर। अबे भाई पहाड़ों में क्यों लेके आ गया, पहाड़ों में क्या भूतनी को पकड़ना है? नहीं भूतनी को नहीं पकड़ना, दूसरा चैलेंज तुम्हारा इस तरह होगा, इस पहाड़ के अंदर बहुत सारे लायंस है, तुम में से जो सबसे ज्यादा लायंस मार के यहाँ लाएगा उसे मिलेगा सेकंड पॉइंट। अरे ये तो बहुत इजी होगा क्योंकि मैं तो आयरन मैन हूँ, उड़ उड़ के आराम से देख लूंगा कि कहाँ पर कितने लायंस हैं। और मैं तो हेल का राजा हूँ, हेल का राजा तो कुछ भी कर सकता है। और बाप मेरे को भी कम मत समझियो, ठीक है ना? अरे मुझे नहीं पता तुम में से कौन पावरफुल और कम है, पर लूसिफर मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इजीली जीत सकते हो क्योंकि तुम हेल के राजा हो और तुम लायंस का अच्छी तरह ढूंढ पाओगे, पर टोनी भी यहाँ पर जीत सकता है। जाओ ये पूरे पहाड़ों के अंदर तुम्हें जितने भी लायंस मिले तुम्हारे पास 5 मिनट का टाइम है, जो सबसे ज्यादा मार्क लेके आएगा वो जीतेगा। अब जल्दी से जाओ और दिखाओ कि मेरी बेटी के लिए तुम में से कौन परफेक्ट है हर तरीके से हर कंडीशन में। हाँ तो सबसे पहले मैं जाऊंगा और देखना कि मैं कैसे कितने सारे लायंस पकड़ के लेके आता हूँ। तो गाइस यार यहाँ पर आयरन मैन ने अपना सूट पहन लिया है और ये चला भाई सब आयरन मैन उड़ के। अरे सुमित क्या डर लग रहा है लगता है मुझे तुम्हें? नहीं 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 डर वर नहीं लग रहा मेरे को, चलो अब देखता हूँ कितने सारे लायंस पकड़ने वाला हूँ मैं। लायंस देख दिख नहीं रहे कहीं पर भी, सेंसर ऑन करता हूँ। ओए मुझे पहला लायन दिखाए कहीं पर, ऊपर साइड दिखाए, जल्दी से जाता हूँ। ये रहा मिल गया मेरे को पहला लायन मिल चुका है, इसको मारता हूँ जल्दी से। ये मारा तो यहाँ पर मैंने एक लायन मार दिया है, वेरी गुड वेरी नाइस। अब तो सुमित की वाइफ मेरी होने वाली है, मर तो गया ना, वापस खड़ा मत हो जाइयो वरना गोली भर दूंगा 36 पेट में। पहला लायन मैंने पकड़ लिया, इजी। लूसिफर की बारी, अब लूसिफर बहुत इजीली सारे के सारे लायंस को पकड़ ले लिया है, लूसिफर है कमाल का। हाँ तो जाओ लूसिफर दिखाओ कि तुम्हारे अंदर कितना दम है। लूसिफर हेल का राजा है, हेल का राजा सबसे ज्यादा पावरफुल है, हेल का राजा बहुत सारे शेयर लेके आएगा। अब मेरी बारी है। सुमित मुझे नहीं लगता इस बार तुम जीत पाओगे, एक हेल का राजा और दूसरा सबसे दुनिया का सबसे समझदार आदमी टोनी स्टार्क, तुम उनसे बिल्कुल नहीं जीत सकते, तुम तो एक मामूली इंसान हो। अरे तुम्हें लगता है कि मैं कोई मामूली इंसान हूँ, मैं पूरे गेम का रचेता हूँ, अब तुम देखना है कि मैं कैसे जीतने वाला हूँ। तो चलो गाइस यार मुझे पता है कि मेरे को क्या करना है जिससे मैं जीत सकता हूँ। तो फिलहाल यार मेरे को नहीं पता कि कहाँ पर शेयर मिलने वाले मेरे को, क्योंकि भाई वो लोग तो उड़ उड़ के जा सकते
सकते पर मैं थोड़ी उड़ सकता हूँ, इसलिए यार यहाँ पर मैं आ चुका हूँ एक गाँव के पास। यहाँ पर एक गाँव है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग जाएंगे और यहाँ पर जो आदमी रहते हैं ना उन लोगों से पूछेंगे, उनको जरूर पता होगा, जो पहाड़ों के आसपास रहते होंगे लोग उनको जरूर पता होगा कि कहाँ पर ज्यादा शेर मिलेंगे। वो एक सेकंड, यहाँ से मेरे को एक सेकंड कुछ दिखाई दे रहा है, वहां पर जूम करके देखता हूँ क्या है। ओए ये देखो, ओ भाई साहब वेरी नाइस, यहाँ पर इन लोगों ने तो पहले से शेरों को पकड़ रखा है, लगता है इन लोगों ने काफी सारे शेरों को पकड़ा है, इसलिए ये शेर इनके घरों के ऊपर हमला करते होंगे। ओ भाई साहब मेरा तो काम इजी कर दिया, बस मुझे इन लोगों को मारना, अब गाँव वालों को। ओ शिट, गाँव वाले तो मेरे ऊपर ही हमला करने लग गए। हवा भाई साहब इनकी ऐसी तैसी गन निकालता हूँ और इनको मारना शुरू करता हूँ। तो गाइस यार मेरा काम तो ईजी हो गया, क्योंकि यार मेरे को तो सारे के सारे शेर एक जगह ही मिल गए। वो लोग एक एक करके शेरों को ढूंढेंगे पूरे पहाड़ों के अंदर, और यहाँ पर मेरे को एक साथ इतने सारे शेर मिल गए, मैं जीतूंगा 100%। पर पहले मुझे इन गांव वालों को ठिकाने लगाना पड़ेगा। अबे ये गांव वाले देख रहे हो सारे के सारे बुड्ढे हैं यहाँ पर भाई, जवान एक भी बंदा नहीं दिख रहा मेरे को। मेरे को गोली कौन मार रहा है, मेरे को दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये रहना, अबे तेरी ऐसी ये ले। ओके चलो गाइस यार मैंने इसको मार दिया। एक वहां पर बोरा ये भी गया, तो मैंने यहाँ पर सभी लोगों को मार दिया। कोई बच तो नहीं रहा है ना, एक आधा कोई नहीं बच रहा। ओ भाई साहब कितने सारे शेर है, चलो अब इन शेरों को मारना स्टार्ट करता हूँ। ओ भाई यार देख रहे हो भाई, मजा आ गया, एक बार में कितने सारे शेर मिल गए मेरे को। सारे मर गए ना, तो यार अपने सारे शेर मार दिए यहाँ पर। अब मेरे को एक गाड़ी लेके आनी है, क्योंकि यार मैं इन शेरों को उठा के तो लेके जा नहीं सकता उन लोगों की तरह, भाई शेर बहुत ज्यादा भारी होता है। तो एक गाड़ी लेके आता हूँ जाके जल्दी सी, इन सभी के सभी शेरों को इस गाड़ी के अंदर डालेंगे और भाई निकलेंगे यहाँ से जल्दी सी। मेरे को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, यहाँ से थोड़ा ही नीचे पिकअप ट्रक खड़ी थी, इसको लेके आ गया हूँ मैं। अब इसके पीछे डाल लेंगे हम सारे के सारे शेर। ये रिवर्स में लगाता हूँ, अरे बुड्ढे को गलती से टक्कर मार दी मैंने, अरे बुड्ढा जी सॉरी। चलो भाई अब बुड्ढा कोई मुझसे पंगा नहीं लेगा, क्योंकि मैंने इनके काफी सारे लोगों को मार दिया है। चलो यार अब पंगा लेगा शायद मुझसे ये बुड्ढा, भाई यार बुड्ढे में जवानी फूट रही है सही में। चलो गाइस यार मैंने यहाँ पर जितने भी लायंस थे ना सभी के सभी को उठा के अपनी गाड़ी में डाल लिया है। और ये देख रहे हो भाई जो ऊपर वाले लायंस है ना, ऐसा लग रहा है कि जिंदा है, पर जिंदा नहीं है ये, असल में इस तरीके से रखे हैं मैंने जो खड़े हो गए हैं। अब जल्दी से चलते हैं वापस अपने होने वाली बीवी के पापा के पास और उनको दिखाता हूँ कि मैंने कितने सारे शेर मारे हैं, और उनको प्रूव करूंगा कि कोई मामूली इंसान भी कम नहीं होता। भाई मेरा नाम सुमित ओपी है यार, ऐसे मेरे को कोई कम कैसे समझ रहा है यार। चलो हाँ तो तुम दोनों लेके आ चुके हो काफी सारे लायंस। अरे मैं लेके आया हूँ सबसे ज्यादा लायंस। हाँ तो वो तो हम काउंट करेंगे कि कौन कितने ज्यादा लायंस लेके आया है। अरे बस सुमित अभी तक आया नहीं लगता है, वो रह गया कहीं पर। लूसिफर तुम कितने लेके आए हो? मैं तो बहुत सारे लेके आया हूँ, तुम देख ही सकते हो कि मुझसे ज्यादा कमाल का कोई नहीं, क्योंकि मैं हेल का राजा जो हूँ, एक नंबर की शेर लेके आया हूँ पकड़ पकड़ के। और यहाँ पर टोनी स्टॉक, अबे मुझे भी बहुत सारे मिले हैं, देखो गिन लो चाहे खुद से ही। 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइंस, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4। अरे लूसिफर तुम तो सिर्फ 4 लेके आए, ये मुझे एक्सपेक्ट नहीं था तुमसे। चलो अब सुमित का वेट करते हैं आने का। चलो गाइस यार हम लोग चल रहे धीरे धीरे, क्योंकि यार बहुत ज्यादा भारी हो चुकी है अपनी पिकअप ट्रक यार, क्योंकि इतने सारे शेयर है ना, कम से कम 2-3 क्विंटल से ऊपर वेट हो गया। देखो मैं क्या बोल रहा था भाई, इसलिए मेरे को धीरे चलानी पड़ रही है गाड़ी। ओ ये ला भाई साहब हम लोग आ गए। अरे सुमित का क्या वेट करना, वो क्या ही लेके आएगा, उसको तो एक शेयर भी नहीं मिला होगा। अब वो टोनी स्टार्क के बच्चे पीछे मुड़ के देख मैं कितने सारे शेयर लेके आया हूँ, ठीक है ना, बोल बाद में, पहले मेरी तरक्की देख। हाँ तो येलो जी ससुर जी मैं लेके आ चुका हूँ शेर। अरे सुमित कितने शेर लेके आए हो तुम? मैं पूरा पिकअप ट्रक भर के लेके आया हूँ। अबे तुम लोगों को बस 2-3 मिले, अबे इसको 5 मिले, इसको तेरे को 7 मिले, मैक्स टू मैक्स बस। अरे ससुर जी मेरे पास देख पूरी पिकअप भर के ट्रक में भर रहा है मैंने इतने सारे शेर, बड़ी इजिली मारे मैंने तो, कोई दिक्कत ही नहीं थी। अरे देख लीजिए कुछ भी नहीं लाया वो तो। हाँ वो तो अभी देख लेता हूँ क्या लेके आए हो। अरे ये क्या, अरे मान गया सुमित तुमने तो इतने सारे शेरों को मारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अरे मुझसे तो गिना भी नहीं जा रहा। अरे दोस्तों गिन के बताना। ओके तो गाइस यार तुम लोग कमेंट बॉक्स के अंदर गिन के बता देना आखिर मैंने कितने शेर मारे हैं। अरे यार मान गया यार तुम्हें सुमित सैमी, यार तुम तो इन सुपर हीरोज को भी हरा रहे हो। छी ये कैसे हरा सकता है हमें? वो मुझे नहीं पता तो आखिर तुम लोगों को कैसे हराया, पर तुम दोनों के कंबाइन भी कर दो तो तुम लोगों से ज्यादा शेर उसने मारे हैं। अरे आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर सुमित, आखिर दो जीत कैसे रहा है? ये 2 गेम में जीत चुका है, इसका मतलब ये लास्ट गेम बचा है। हाँ पर ये लास्ट गेम में जो जीतेगा उसे मिलेगा 2 पॉइंट्स, मतलब अब भी चांस है। अरे ये तो गलत बात है ना। हाँ तो तुम लोगों का स्वागत है आज के लास्ट चैलेंज के अंदर, तुम में से जो कोई भी आज का ये चैलेंज जीतेगा वो मेरी बेटी से शादी करेगा। अभी तक सुमित 2 पॉइंट्स से आगे चल रहा है, पर इस वाले चैलेंज में जो भी जीतेगा उसे मिलेंगे 2 पॉइंट्स। अब मतलब मेरा चांस अब भी शादी करने का, लूसिफर आखिरकार शादी करेगा, मतलब मजा आने वाला है। हाँ लूसिफर तुम्हारे पास अब भी चांस है जीतने का, और तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो, है ना कमाल की बात। अरे लूसिफर जीतेगा 100% जीतेगा। और यहाँ पर टोनी स्टार्क,
अरे मैं तो तैयार हूँ, पहली सूट बूट पहन के आ चुका हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं ही जीतूंगा तो शादी में डायरेक्ट चलेंगे नहीं यहीं से ससुर जी। हाँ तो वो तो टाइम बताएगा, क्योंकि टोनी तुम्हारे पास 0 पॉइंट्स है, वहाँ पर सुमित के पास 2 पॉइंट है। अरे ससुर जी टेंशन मत लीजिए, मैं ही जीतूंगा। अबे ओए ज्यादा चंपू पंपू मत बनो, ठीक है ना, जीतूंगा तो मैं ही, 2 में जीता हूँ तो यहाँ पर भी मैं जीतूंगा। हाँ तो सुमित तुम सबसे आगे चल रहे हो और सुपर कॉन्फिडेंट भी लग रहे हो, पर तुम्हें पता है ज्यादा कॉन्फिडेंट रखना गलत होता है सेहत के लिए। ना मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं रख रहा हूँ, पर मेरे को मेरी होने वाली वाइफ चाहिए किसी हाल में भी। हाँ तो तुम तीनों के बीच में होगा आज का ये खतरनाक रैम चलन, देखते हैं कि किसकी तकदीर में है मेरी बेटी। सबसे पहले लूसीफर को ही मौका मिलना चाहिए, क्योंकि लूसीफर सबसे ज्यादा पावरफुल है यहाँ पर। ओके तो गाइस यार सबसे पहले जा रहा है नरक का राजा लूसीफर, देखते हैं कि गाइस यार लूसीफर यहाँ पर क्या करने वाला है। और यहाँ पर पावर्स काम नहीं आएगी, यहाँ पर स्किल्स काम आएगी, ड्राइविंग स्किल्स, और यहाँ पर मेरे से अच्छी ड्राइविंग स्किल्स तो किसी की भी नहीं है। और ये लूसीफर चला भाई साहब ये खतरनाक वाली गाड़ी लेके, पता नहीं ये कौन सी गाड़ी है पर काफी ज्यादा मस्त है ये गाड़ी। वैसे मुझे चाहिए थी, पता नहीं इस लूसीफर के बच्चे ने क्यों ली। अरे क्योंकि ये रेड कलर की गाड़ी है और लूसीफर को लाल रंग बहुत पसंद है, खून का जो रंग है। और यहाँ पर भाई साहब लूसीफर तो, अबे ये क्या, लूसीफर तो यहीं पर ही डिस्क्वालीफाई हो गया। चल बकवाद कर रहा है, कुछ है ना बस की तेरे। अरे सैमी लूसीफर तो तू बोलता बहुत ज्यादा है, पर तेरे बस के कुछ नहीं है। कोई बात नहीं ससुर जी, अब भी तुम्हारा ये वाला दामाद जिंदा है, मैं जीत के दिखाता हूँ। अबे कोई लूसीफर मरा थोड़ी है, डिस्क्वालीफाई हुआ है वो। अरे मतलब जो यहाँ पर हार गया वो हार गया, अब मेरी बारी है। गाइस यार अगर यहाँ पर टोनी स्टार्क जीत जाता है तो भी भाई मेरा पत्ता कट जाएगा, इसका मतलब एक तीसरा चैलेंज और होगा, फिर तीसरा नहीं सॉरी फोर्थ चैलेंज और होगा, उसके अंदर हम पता लगेगा कि कौन जीतेगा, किसकी शादी होने वाली है। पर भाई फिलहाल टोनी स्टार्क को जीतना पड़ेगा फोर्थ चैलेंज अगर उसे स्टार्ट करना है तो, और मुझे नहीं लगता यहाँ पर टोनी स्टार्क जीतने वाला है। इतना और कॉन्फिडेंट नहीं होते समित, मैं ही जीतूंगा। अबे वो तो टाइम बताएगा कि कौन जीतेगा और किसे मुंह की खानी पड़ेगी। और गाइस यार यहाँ पर देख रहे हो टोनी स्टार्क काफी अच्छी तरीके से गाड़ी चला रहा है, क्योंकि यार टोनी स्टार्क एक धरतीवासी और वहीं पर लूसीफर हेल का राजा है, तो उसने इतनी गाड़ी नहीं चलाई है। टोनी स्टार्क के पास पहले से बहुत महंगी महंगी और सुपर कार्स थी, पर यार जिसको ये नहीं पता जिसके साथ इसका मुकाबला है वो आदमी सबसे ज्यादा सुपर ऊपर डोपी है। और ये क्या बकवास है भाई, इसने तो चीटिंग की है यार, इसने तो बूस्ट यूज किया अपनी गाड़ी में, जो अल्टीमेट बूस्ट इसने लगा रखा था, ये तो जीत ही जाएगा ऐसे तो। अरे जीतूंगा तो मैं ही, देखो। अरे ये क्या भाई साहब, मिसकैलकुलेशन हो गई टोनी तुझसे और तू हार गया। अरे ये क्या यार, मैं ज्यादा हवाबाजी में आके हार गया। ओ शिट, मतलब मेरी वाइफ तो गई। आखिर में बचो सुमित, क्या तुम जीत पाओगे? ऑफ कोर्स, अगर मैं हार भी जाता हूँ तो मैं ही जीतूंगा, क्योंकि वे लोग तो हार चुके, मेरे पास ऑलरेडी 2 पॉइंट्स है। पर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर जीतोगे या हारोगे। अरे कोई बात नहीं ससुर जी, जीतूंगा 100%, क्योंकि मैं हूँ हर चीज में परफेक्ट, और आपकी बेटी के लिए एक ऐसा आदमी चाहिए जो बिल्कुल 100% परफेक्ट हो हर चीज के अंदर। ओके तो गाइस यार आप लोग क्या कर रहे हो, जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो परफेक्ट, अगर आप लोग भी चाहते हो मैं यहाँ पर जीत के 100% परफेक्ट हो जाऊँ और तुम्हारे भाई की शादी हो जाए, तुम लोगों की भाभी आ जाए, तो लिख दो कमेंट बॉक्स के अंदर परफेक्ट। और यहाँ पर हम लोग चले फुल स्पीड में, ये देख रहे हो भाई साहब मैं एक चैलेंज को भी पीछे नहीं छोड़ूंगा, सारे चैलेंजेस करूंगा यार। मैं 2 चीजें जीता हूं तो ये तीसरी भी मैं ही जीतने वाला हूं। मैंने शेर मारे अपनी बुद्धि से, वो अलग बात है मैंने थोड़ी चीटिंग की, चीटिंग क्या की यार, मेरे अंदर बुद्धि थी इसलिए मेरे को सारे शेर एक जगह मिल गए। इन लोगों में दिमाग होता ये लोग भी गांव में जा सकते, पर गांव में गया कौन, मैं तुम्हारा भाई। और गाइस यार जो फर्स्ट चैलेंज था वो वोटर स्लाइड वाला, जिसके अंदर ये दोनों डिस्क्वालीफाई हो गए बॉम्ब को टच करके, वहां पर भाई मैंने बुद्धि यूज की, मैं साइड साइड में गया था इसलिए मैं बॉम्ब से टकराया नहीं। पर यहां पर बस अब जीतने वाले, ये लगा आखिरी जंप, क्या हम लोग पहुंच जाएंगे या फिर मैं भी हारूंगा। हारूंगा तो कोई दिक्कत है नहीं यार, क्योंकि मेरी ही शादी होने वाली है एंड ऑफ द डे। और ये भाई साहब लगाई जंप और शायद मैं जीत चुका हूं, ये देखो फिनिश लाइन, वू वू, ओ पेटे। तो गाइस यार यहाँ पर हम लोग जीत चुके हैं, इसका मतलब मेरे हो चुके हैं 4 पॉइंट्स, और यहाँ पर मैंने हेल के राजा लूसीफर को भी हरा दिया और साथ में दुनिया का सबसे समझदार आदमी टोनी स्टार्क को भी हरा दिया। भाई मैंने 2 सुपर ह्यूमंस, एक तरीके से सुपर हीरोज को हराया भाई तुम्हारे भाई ने, है ना कमाल का। तो गाइस यार हम लोग वापस आ चुके हैं, अब भाई मेरी शादी होने वाली है और मेरी वाइफ आती होगी किसी वक्त भी। अरे वो क्या, मेरी वाइफ पर ही खड़ी है। अरे समित भैया जल्दी आ जाओ, कब से वेट कर रहे तुम्हारा। ओके तो गाइस यार हम लोग वापस आ, और ये क्या, कहां गया लूसीफर और वो टोनी स्टार्क। अरे समझो शर्म की बारी नहीं आए। अरे तुमने आखिरकार दिखा दिया तुम हो खतरनाक। ओए बस 5 बजने वाले हैं, 1 घंटे में मुहूर्त निकल जाएगा, चलो तुम लोगों की अब शादी कराते हैं। तो तुम मिस सिंड्रेला सुमित को अपना पति मानती हो? हाँ मानती हूँ। और मिस्टर सुमित क्या तुम सिंड्रेला को अपनी वाइफ मानते हो? हाँ बिल्कुल भाई, इतनी मेहनत उसी चीज के लिए तो की है। वो तो कंग्रेचुलेशन, ब्याह हो गया, चलो भाई मंडप में से भागो, रोटी खाएंगे जाके। तो गाइस यार यहाँ पर हम लोगों की शादी हो चुकी है,
अरे समित, तुम तो सही में कमाल के हो, तुमने आखिरकार मुझे जीत लिया। अरे भाई साहब बहुत हार्ड था सही में, मतलब दिमाग की मत्थी खोर गई थी। आजा जल्दी से बैठ मेरी गाड़ी में। अरे समित भैया कहाँ जा रहे हो? अरे यार घूमने जा रहा हूँ मैं। अरे समित भैया टेंट के पैसे दे दो, इनको देने हैं मेरे को। अब खुद दे दिए। अरे समित भैया गलत बात है, टेंट वाले मारेंगे मेरे को। अब दे दिए, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस यार यहाँ पर हम लोगों की शादी हो चुकी है बिल्कुल फैंटास्टिक तरीके से, और खतरनाक वाले चैलेंजेस करने के बाद आखिरकार हमें अपनी वाइफ वापस मिल गई। समित मैं समित तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। अरे कोई बात ना, कोई बात ना। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, हम लोग जा रहे घूमने के लिए हनीमून पे। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार भूले बैठे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे इसको नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी।